बेटा भूल के भी हमें मत छूना, हम है बिजली के नंगे वायर। कि बेटा भूल के भी हमें मत छूना, हम है बिजली के नंगे वायर। और दम है तो आ जाना खेलने हमसे फ्री। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो गजब की है फ्री फायर की दुनिया। यहाँ आने के बाद ना गर्लफ्रेंड की याद आती है, ना उसकी बातों की, और ना उसके झूठे वादों की। बाप और बेटे का खेल खत्म हो गया हो तो आ जाओ हमारे फ्री फायर में। पबजी बैन बजाओ रे अपना। सभी लोग कहते हैं कि तू इतना फ्री फायर क्यों खेलता है, सभी लोग कहते हैं कि तू इतना फ्री फायर क्यों खेलता है। तो सुन मेरे भाई, माना कि फ्री फायर ज्यादा खेलना बहुत गंदी बात है, लेकिन इसी फ्री फायर ने मुझे हंसना सिखाया है, दोस्तों से करीब रहना सिखाया है, सबसे अच्छी बात है घर में रहना सिखाया है जिससे अपने माँ के करीब रहता हूँ। तू चाहे सिंगल ला या पूरी स्क्वाड ला, बेटा सबको फाड़ दूंगा। और गलती से भी बोलना मत फ्री फायर को बुरा, वरना जहाँ हो वहीं गाड़ दूंगा। फ्री फायर इज देयरफॉर नॉट अ चाइनीज ऐप एंड हैज नॉट बीन बैंड। बीजे मुड़ टन 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 बस हमको मजा ना यार, पूरा प्रोबियर है। अरे यार हमको तुम चैलेंज कर रहा, देखो ना सबको हम ऐसी चिथड़ी उड़ा देंगे। अरे मजा यार। म्यूजिक बातों से अपने मुकरता नहीं। बहुत बढ़िया, मैंने जाओ तुम जाओ मरो, हम लोग नहीं तुमको बचाने। ज्यादा प्रो होने का घमंड मत दिखाया कर, हृदय मांगने पर इनकार कर दूंगा। और ये जो मुझसे भिखारियों की तरह को ओम मांगता है, बेटा दुश्मन से पहले तुझे मैं मार दूंगा। जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं। कि जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं। और लुगड़ो हम लोग से पंगा मत लेना, क्योंकि तुम्हारा बाप फ्री फायर है। हे दर्द, थोड़ा तो डिस्काउंट दे, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूँ। अपनी अकड़ अपने पास रखना महाराज, अकड़ के चक्कर में हमने उसे भी छोड़ दिया जिसके बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे, तो तुम कौन हो बे? क्यों वीर, तुमने मेरी फ्रेंड को ऐसा क्या बोला कि वो गुस्सा होकर चली गई? यार एक बात बता, अगर तू खाना खा रही है और कोई आ गया तो तू उससे क्या पूछेगी? खाना खाओगी क्या? और अगर तू चाय बना रही है तो क्या पूछेगी? चाय पियोगे क्या? हाँ ऐसे ही मैं बिस्तर लगा रहा था और तेरी फ्रेंड आ गई तो मैंने उससे पूछ लिया सोएगी क्या। जोर का झटका है, जोर गली में तो कुत्ता भी शेर है, ये ना सोच तुझे छोड़ देंगे। हमारे साथ बदतमीजी करी तो तेरा बायो डाटा खोल देंगे। और सुने आजकल ज्यादा हवा में उड़ते हो, बेटा हमें अकड़ मत दिखाना, नहीं तो हड्डियाँ और अकड़ दोनों तोड़ देंगे। अरे बेईमानी का शौक नहीं है, वरना कर तो हम भी सकते हैं, पर हम तो चलते फिरतों का दिल ठगते हैं। और जो हमें आजकल के बच्चे बोल रहे हैं ना, इनको कौन बताए कि रिश्ते में तो हम इनके बाप लगते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। भाई तू उसको क्यों प्रपोज कर रहा है? क्योंकि ये कभी दिल नहीं तोड़ता। तेरे यार बतेरे, जिनका मुंह नहीं खुलता था मेरे सामने, वो अब हमें अकड़ दिखाते हैं। बेटा जिनसे तू हाथ मिलाता है ना, वो मेरे पैर दबाते हैं। भाई आपसे एक हेल्प चाहिए था यार, एक मेरा दोस्त है यार, वो बहुत गरीब है, उसके पास आलोक नहीं है, उसको दे दीजिए क्या? ठीक है बुलाओ। अरे आप भी अपने भाई है, आ गया भाई, देखिए यही है, बहुत गरीब है बेचारा, एक आलोक दे दीजिए इसको बस। गरीब बोलता है, तेरा साथ साथ तेरा खानदान का काम खरीदने का दम रखते हैं, आलोक तो दूर का बात है। म्यूजिक भलाई का तुम्हें जमाना ही नहीं रहा भाई, अब कभी नहीं दिलवाएंगे आलोक। कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझसे जलते बहुत है। कुछ कुत्ते हैं जो मुझे काट तो नहीं सकते, लेकिन भौंकते बहुत है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, और वक्त भी हमारा होगा। मत करना इश्क, बहुत झमेले हैं। मत करना इश्क, बहुत झमेले हैं, हंस से साथ हैं, रोते अकेले हैं। हजार दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, जितने हैं हजारों के बराबर है। अरे अपने जिगर पे बनो, मैं किसी मिले नहीं बताया मेरे को।
अरे तेरे पुलिस स्टेशन जाता हूँ ना तो साला ठोक के तेरे सब लोग खड़े हो गए। आपने हमारे स्कूल्स बंद करा दिए, कॉलेजेस बंद करा दिए, हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए सिर्फ एक कोरोना वायरस की वजह से। मैं तुम सब लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ बस, थैंक यू।